जिसको बीटरूट पसंद ना हो पर उसको वो खिलाना हो तो आप कैसे खिलाएंगे? तो उसके लिए ये डिश एकदम परफेक्ट है, सिंपल, इजी और हेल्दी। चलो तो फिर बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए बीटरूट। तो बीटरूट को अच्छे से धो लेना है और उसका छिलका निकाल के अच्छे से क्लीन कर लेना है। आप देख सकते हो कि मैंने अच्छे से धो के क्लीन कर लिए हैं। अभी बीटरूट को हम ग्रेट कर लेंगे। आपको जैसा पसंद हो वैसा पतला मोटा कैसा भी आप ग्रेट कर सकते हो। और अभी उसको साइड में रख देंगे। अभी एक बाउल में हमें दही लेना है और दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। और उसके अंदर चाट मसाला, रोस्टेड जीरा पाउडर, सॉल्ट और पेपर पाउडर, इन सबको मिक्स कर लेना है और अच्छे से बीट करना है ताकि लम्स ना रहे। अभी इसके अंदर पिंच ऑफ कद्दू किया अदरक डालना है और फिर हमने जो ग्रेट किया था वो बीटरूट। आप अदरक ज़रूर डालिएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आप देख सकते हैं कि हमारा दही का कलर जो वाइट था वो बिल्कुल ही पिंक हो गया है, बहुत ही वाइब्रेंट और अट्रैक्टिव हो गया है। अभी एक तड़का लगाएंगे। तड़के के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद ज़ीरा, और ज़ीरा चटकने लगे तब ग्रीन चिली और कड़ी पत्ता, और ये तड़का ऊपर से हम हमारे दही के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गया है हमारा रेडी बीटरूट का रायता। और इसको 2 घंटे तक फ्रिज में रखें और ठंडा ठंडा सर्व करें। आप राइस के साथ ये इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप ये रायता किसके साथ खाना पसंद करेंगे वो ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू।